स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल जे एग्जाम क्रैकर में। और आज हम सीखेंगे कुछ ट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के, जिसका हेल्प से हम इजीली किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, पहला है किसी भी नंबर को अगर 15 से मल्टीप्लाई करना हो, कोई भी इवन नंबर दिया हुआ है। इवन नंबर दोस्तों वो होता है जिसमें 2 से भाग लग जाता है। तो कोई भी इवन नंबर है उसको हम 15 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस नंबर को हम आधा कर लेंगे, आधा मतलब 2 से भाग दे देंगे, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 लगा देंगे, तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे कि सपोज अगर हमें कहा जाए 15 × 18 इस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें 15 को किससे गुना करना है, 18 से, तो इस 18 नंबर को हम आधा कर लेंगे, आधा यानी 2 से भाग करेंगे, कितना होगा आंसर 9। अब इस 9 को, ये 9 आ गया, इस 9 को हम 3 से गुना कर देंगे और लास्ट में 0 लगा देंगे। 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 के लास्ट में 0 लगाएंगे तो 270, तो हमारा आंसर कितना हो गया 270, यानी 15 को 18 से गुना करेंगे तो 270। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें कहा जाए कि 24 को चलो गुना करो 15 से, तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर है, 24 को आधा करेंगे 12 को फिर 3 से गुना करेंगे, 12 × 36, उसके बाद 0 लगा देंगे उसके आगे, तो 36 यानी 360 हो जाएगा आंसर का। तो देखिए कितना 2 सेकेंड में हो रहा है गुना, 2 सेकंड में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दोस्तों, देखिए ध्यान से। अब अगर हमें कहा जाए कि 32 को मल्टीप्लाई करो 15 से, तो क्या करेंगे, 32 को 32 इवन नंबर है, आधा करेंगे 16 को 3 से गुना करेंगे, 16 × 48 के बाद 0 लगाएंगे यानी 480, आंसर ख़त्म। तो ये तरीका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए तरीका क्या है कि अगर दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि कोई भी नंबर को अगर हमें कहा जाए कि 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इजीली कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोई भी नंबर है, इवन नंबर हो या ऑड हो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, किसी भी नंबर को अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले हम उस नंबर्स को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और डिवाइड करेंगे, जो भी भागफल आएगा 4 से भाग देने पे, वो भागफल हमारा आंसर का MSB पार्ट होगा। और अगर शेष में जो शेष बचता है, अगर शेष में 1 बचेगा तो लास्ट का 2 डिजिट होगा 25, अगर शेष 2 बचेगा तो लास्ट का 2 डिजिट आंसर का 50, शेष 3 बचेगा तो 75, लास्ट का 3 डिजिट। देखिए जैसे कि अगर मैं कहूँ 18 को मुझे 25 से गुना करना है, तो 18 को मैं भाग करूँगा 4 से, तो कितने बार में जाएगा, 4 × 16, 4 हो गया भागफल, 2 हो गया शेष, ठीक है, तो 4 भागफल, तो आंसर का MSB हो गया हमारा कितना, 4, ठीक है, 4, ये देखिए ये 4 मैंने, ये है हमारा MSB। अब उसके बाद शेष कितना बचा है, 2 के लिए मैंने क्या कहा 50, ठीक है, तो 4 50 यानी 450 आंसर हो गया। अब देखिए जैसे 37 को मुझे गुना करना है 25 से, तो क्या करूँगा मैं, 37 को 4 से भाग कर दूँगा, 9 × 36, 9 बार में चला गया तो 9 हो गया हमारा MSB पार्ट। अब 9 × 36 शेष कितना बचेगा, 1 के लिए क्या मैंने कहा था 25, तो 9 × 25 आंसर 925। अगर जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 को मुझे गुना करना पड़ेगा 25 से, तो 43 को मैं सीधा 4 से भाग करूँगा, तो कितने बार में जाएगा, 10 × 40, 10 बार में, तो 10 हमारा हो गया MSB। अब LSB क्या होगा, 10 × 40, शेष कितना बचा, 3 के लिए मैंने क्या बताया 75, तो 10 75 हमारा